हेलो फ्रेंड, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आई होप आपका कल एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। एंड अभी तक सारे ऑलमोस्ट हर बच्चे ने अपने मार्क्स कहीं ना कहीं से कैलकुलेट कर लिए होंगे। मतलब जितने भी आंसर कीज आए हैं, जितनी भी चीजें आई हैं, आपने आई एम श्योर अगर आपने एक दो नहीं तीन चार जगहों से अपने मार्क्स निकाल के कैलकुलेट कर लिया होगा, एक रफ आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि कितने से कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। बट हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि जब नीट का आंसर मार्क्स जब आंसर की आती है और जब नीट का मार्क्स आता है तो ये वैरी करता है। मतलब 20-25 मार्क्स अप डाउन होते हैं, बट स्टिल यू हैव अ क्लियर इमेज ऑफ योर मार्क्स। तो अब अगर मैं बात करूं इस साल की, यानी कि नीट 2021 में क्या वो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा ऑल इंडिया के अंदर, क्या आपको इजिली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर बच्चे के सब माइंड में चल रहा होगा कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्या मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। उसके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी प्रीवियसली काफी सारे वीडियोस लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड किए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स समवेयर 620 या 620 प्लस आते हैं तो यू विल बी हैव अ ग्रेट चांस टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा। वहीं पे EWS के लिए द मार्क्स विल बी 605, फॉर OBC द मार्क्स विल बी 610, फॉर SC द मार्क्स विल बी 505 एंड फॉर द ST कैटेगरी द मार्क्स विल बी 490। बट हमने जो 15 ईयर का एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे हमने अपना ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हमने देखा है कि कट ऑफ हर साल इंक्रीज कर रहा है। आई नो इस साल पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, चीजें मॉडरेट थी, लेंथी था, लास्ट ईयर भी चीजें समवेयर सेम थी, बट द कट ऑफ मार्क्स हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो हमेशा अप ही गया है, कंपेयर टू एक दो बार अगर ऐसा हुआ है कि वो डाउन जाता है। इस वजह से हमने ये मार्क्स रखे हैं। तो अगर आप इस मार्क्स के वे रेंज में आते हो और अगर आपने एक एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू अपनी काउंसलिंग कराते हो तो यू विल बी श्योरली गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ एक्सपर्ट काउंसलिंग की या एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग कराने की, तो उसके लिए आप हमारे से सभी सजेशन ले सकते हो। हम भी ये काम करते हैं। लास्ट 15 ईयर से हमारी टीम हर साल एटलीस्ट 400 से 500 बच्चों को थ्रू काउंसलिंग उनको अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाती है, एज पर देयर मार्क्स उनको अच्छे से अच्छे कॉलेज ऑप्शन सजेस्ट करती आई है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.admissionmedia.in पे जाके आप भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, काफी पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आपकी राय हमने ले लेते, जो हमें एग्जैक्टली वर्ड्स आते हैं कि अगर सर हमने आपसे काउंसलिंग करा ली होती तो आपके बच्चे हमारे बच्चे के एक साल बच जाते, तो ऐसी सारी बहुत काफी सारी चीजें आती हैं। इसलिए किसी भी एक्सपर्ट काउंसलिंग की राय लेने से पहले, उसकी काउंसलिंग लेने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि वो कितने साल से हैं, क्या चीजें हैं, किस डेटा के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। ये काफी चीजें मैटर करेंगी, क्योंकि काउंसलिंग आपके लिए हो सकता है एक या दो बार की बात हो, बट हमारे लिए ये हर साल का काम होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है रिगार्डिंग नीट MBBS काउंसलिंग, अगर आप उसे ज्वाइन करके नहीं रखा है तो उसे ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है हम वहाँ पर टाइम पर टाइम पोस्ट करते रहते हैं। साथ में हमारी जितनी भी वीडियोज आने वाली होती है हम वहीं पर बताते रहते हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।